सुधा हुनरी किन साता
Yeah.
अगर यहाँ मराठी अभंग जो संतवाणी है सुनना चाहते हैं तो एक ट्रेडिशनल अपने गुरु का जो अभंग है वो सुनाना चाहते हैं क्योंकि ठुमरी और एक गुरुजी का एक फरमाइश है उसको गाने में वक्त ज़्यादा लगता है तो वो मैं गाना चाहूँगी जो उन्होंने फरमाइश की है तो ठुमरी के बदले एक जो अभंग है जो हमारे गुरु की कंपोजिशन है किशोरी तय का तो वो मैं गाना चाहूँगी अगर आप लोग मराठी अभंग सुनना चाहें तो Cut.
की जो मून है दाई का वो बिल्कुल अलग ही दुनिया में हम चले जाते हैं। एक तो है दोनों विवास मारवा था टॉप है काट दो विवास है और एक थोड़ी है मियाँ की और बीच में कहीं कहीं अर भैरव या फिर भैरव की छाया आती है। वो जब बैठती हैं सब गुरु की कृपा है। जो भी हम आज आपके सामने बैठे हैं यहाँ पे तो सब अपने गुरु की कृपा है, उन्हीं का अनुग्रह है। और मैं खास यहाँ पे मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आमंत्रित जो मुझे किया है तो मैं आभारी हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। सुर का जो महत्व है, जैसे हमारे गुरुजन हैं किशोरी ताई हैं, बहुत उनके बहुत वही मुझे लगता है कि यही हमारे गुरु है, ताई ही हमारे गुरु है, तो उनके विचार इतने मिलते हैं। आजकल बहुत कम ऐसे शास्त्रज्ञ जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट से बहुत कम लोग हैं, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उनसे परिचित हो गई, शिव जी ने परिचित करवाया और उनका आशीर्वाद मिला, जिसका श्रेय यहाँ तक लेके आया है। और अर्चिता धार जी जो यहाँ पे मुझे बुलाया, थैंक यू मैडम सो मच एंड आई रियली आई एम सो ग्रेटफुल टू यू एंड योर होल कमिटी एंड ऑल द ब्यूटिफुल पीपल ऑफ कोलकाता वाराणसी, ऑल ऑफ यू, यू आर सो लवली। मेरे साथी जो सह कलाकार जो बैठे हैं, बहुत बड़े तबला नवाज हैं, इनका नाम तो हम देखते थे सुनते थे, आज इनका संगत के साथ गाने का मौका मिला नदी शोर से गौतम जी कांची थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे जब जानी दत्ता, ये मेरी शागिर्द है, बेंगलुरु में रहती है, मेरे सिस्टर हैं और ये बच्ची आज सुबह से मेरे पीछे है। वो बहुत होनहार है, बहुत ही लगाव है उसको संगीत के साथ में, उसका स्माइल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कभी गाना मैंने आज उसको गवाना था, मेरे जहन से निकल गया, मेरे सुर लगाने के लिए बोलना था, मेरे दिमाग से निकल गया। अनुशुआ अरे वाह बहुत अच्छे नाम, तो थैंक यू वेरी मच। एंड लास्टली आई बीन आस्ट टू सिंग वंदे मातरम, उसका फरमाइश है, तो वो तो जो आपने यूट्यूब पे सुना है पूरा सब एंसेंबल के साथ सुना हुआ लगता है, यहाँ पे सिर्फ तानपुरा है, तो तानपुरा के साथ देखते हैं उसका। मैं फुल वर्षन बंकिम चंद्र जी का फुल वर्षन जब मैं वंदे मातरम गाने की कोशिश करूँगी, उससे पहले एक दो लाइनें आपके लिए।
I might do a mistake, I don't know, so. Che che mo dhutai hi amon hai avari hi amon hai avari rupena madhur mo हम लोग सपने देखते हैं क्योंकि सपना देखना बुरा नहीं है उनके जैसा बने हम सपने देखते हैं वो सपना साकार होता है नहीं पता नहीं लेकिन आपका प्यार जरूर मिलता है साथ सेवा के जरिए सो थैंक यू वेरी मच एंड वंदे मातरम फॉर यू नाउ
Thank you.